हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज का दोस्तों जो वीडियो है किस टॉपिक पर होने वाली है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिलहाल अभी अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर आप जिस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले तो आपको एक नॉर्मल फोटो दिखेगा और ये जो नॉर्मल फोटो है आपको हल्का शेक होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक AI जनरेट वाला फोटो भी देखने को मिल रहा होगा, जो फोटो देखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। तो साथ ही वो इंस्टाग्राम रील पर इस तरह का जो वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो साथ ही आप भी अगर इस प्रकार का रील क्रिएट करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको किसी बढ़िया लोकेशन पे आपको यहाँ पे चले जाना होगा। जैसा कि साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे चारों ओर का नज़ारा, आप यहाँ पे देखिए ये जो है हमारे यहाँ का जो ये डैम है, यहाँ पर मैं अपना जो वीडियो आप सभी के लिए मैं शूट कर रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं यहाँ पर जो जो फोटो यूज़ करूँगा, यहीं का जो डैम का कुछ फोटो होगा उसी का मैं यूज़ आप सभी के लिए मैं आज करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी तरीके चलिए आज की इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो जो डैम का जो मेन पुल है, पुल के ऊपर मैं यहाँ पर फिलहाल आ चुका हूँ। और जो मेरा फर्स्ट फोटो है मैं इसी जगह पर क्लिक करने वाला हूँ। तो मेरा फर्स्ट फोटो को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने अपने फर्स्ट फोटो के यहाँ पर ये जो सीधा सीधा रास्ता था यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट लोकेशन पे यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट लोकेशन पर हम लोग आ चुके हैं। अब आप अगर मेरे सामने में देखो तो आपको यहाँ पे वॉच टावर एक देखने को मिल रहा होगा। तो इसी वॉच टावर का मैं यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दो फोटो मेरा यहाँ पर हो चुका है। अब चलते हैं कोई मतलब ये अगर आप टावर देखोगे, लाइट वाला ही टावर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए लाइट वाला पूरा जो टावर है इसी का मैं एक फ़ोटो ले निकालता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जितने सारे मेरे जगह थे उन सारे जगहों का मैंने यहाँ पर फोटो यहाँ पर क्लिक कर लिया है, ठीक है। अब दोस्तों बारी है एडिटिंग का काम है, जो बहुत ही आसान है। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेकर चलता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको इस प्रकार का जो वीडियो है एडिट करना है। तो साथियों इस प्रकार के वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। सर्च वाले बॉक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको फोटो लिख के सर्च करना होगा। आपके सामने ये वाला ऐप आएगा, आपको इस वाले ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो जो फोटोलिब ऐप है मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब साथियों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद साथियों आप इसको कुछ इस प्रकार से कट कीजिएगा। अगेन आपको इस पर क्लिक करके कट आपको यहाँ पर कर देना होगा। अब दोस्तों देख सकते हो फर्स्ट जो इंटरफेस है यहाँ पर फोटोलिब ऐप का कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पे एडिट फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपके गैलरी को एक्सेस करने का परमिशन मांग रहा है, सो आपको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना होगा। देख सकते हो मेरा फोन का गैलरी यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है। अब साथ ही आपको यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वाला फोटो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। देख सकते हो मेरा पेट्रोल पंप वाला मेरा फर्स्ट फोटो था जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों आपको नीचे में अगर आप यहाँ पे देखो तो AI फिल्टरेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब नीचे में जो ऑप्शन इसको स्लाइड करना होगा। यहाँ पर साथियों आप देखिए AI सीन्स बोल के एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको दोस्तों इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये रिफ्रेश होगा। उसके बाद साथियों आपका जो फोटो का लुक है पूरा टोटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देख सकते हो मेरा यहाँ पे कुछ इस तरह के 5 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर आएंगे। कुछ इस तरह से 1, 2, 3 करके आप यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो 5-3 नंबर वाला है वही मुझे बेटर लग रहा है, सो मैंने इसको यहाँ सेट किया। अब मैं यहाँ पर ओके पे प्रेस करके ये जो फोटो है इसको मैं अपने गैलरी में यहाँ पर कुछ इस टाइप सेव कर लूंगा। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो 4 फोटो है आपको यहाँ पर सेव कर लेना होगा। दोस्तों ये मेरा लास्ट फोटो था जो मेरा यहाँ पर बन चुका है, देन ये वाला फोटो को भी मैं अपनी गैलरी में यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। तो गाइस इस तरह से आपको अपने सारे फोटो को यहाँ पर जनरेट कर लेना होगा। अब दोस्तों आपके फोन में जो भी VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस वाले VPN ऐप को आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। तो मेरे फोन में यहाँ पे सिक्योर VPN इंस्टॉल है जिसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे VPN ऐप को कनेक्ट करना होगा। VPN ऐप जैसे आपको यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, अब आपको यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन करना है। अगर दोस्तों कैपकट का प्रो वर्जन आप लोड करना चाहते हो तो ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फोटोज वाले ऑप्शन पे आप जाइएगा। अब दोस्तों जो फोटो आपने यहाँ पर बनाया है उसी का आपको यहाँ पर नॉर्मल वाला जो फोटो है आपको यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से सिलेक्ट आपको यहाँ पर कर लेना होगा। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे जितने सारी फोटो है उसको मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइमलाइन पर ले आया हूँ।
लाने के बाद अभी ये देख सकते हो मेरा नॉर्मल फोटो है। तो इसी वाले फोटो का जो AI वर्जन है, ये जो बीच है, बीच में पहले आऊँगा इस वाले प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके, जो मेरा फर्स्ट फोटो AI वाला था उसको मैं यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए साथियों, पेट्रोल पंप वाला मेरा फोटो है और उसका AI वर्जन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब आपको अगले वाले फोटो पे आपको यहाँ पे आना होगा, उसी तरह से आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, उसका AI फोटो को आपको सेट कर लेना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सारे चीज़ों को आपको पहले एक बार एडजस्ट करना होगा। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे सारे चीज़ों को मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लिया है, मतलब नॉर्मल फोटो उसके बाद AI फोटो, इस टाइप से मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अब साथियों आपको यहाँ पे ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एड ओवरले वाले ऑप्शन पे जाइएगा। आपको दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर साथियों आपको बैकग्राउंड वीडियो का लिंक मिलेगा। आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बैकग्राउंड वीडियो को लोड कर लेना है। उससे पहले आप यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पर बैकग्राउंड वीडियो को ऐड करना है। अब दोस्तों वीडियो को आपको प्ले करना होगा, और फर्स्ट वाला फोटो का ड्यूरेशन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो देख सकते हो साथियों इतना दूर से यहाँ पे AI वाला फोटो यहाँ पर आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाला जो फोटो है पेट्रोल पंप वाला, इसका लेंथ को मैं इतना ही रखने वाला हूँ। उसके बाद साथियों देखता हूँ AI फोटो का लेंथ कितना दूर है। तो AI फोटो का जो लेंथ है आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इतना दूर दिखता है। सो यहाँ पर आके मैं अगेन इस तरह छोटा कर दूंगा, मतलब ऊपर वाले वीडियो में जिस तरह से है साथियों, आपको यहाँ पर कुछ इसी टाइप से अपने सारे फोटो को एक बार एडजस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीट के हिसाब से तभी आपका जो चीज़ है यहाँ पर मैच करेगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बीट के हिसाब से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया है। अब साथियों आपको बैकग्राउंड वीडियो पे क्लिक करना होगा। नीचे में आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करके ऑडियो को अलग कर लेना है। अब साथियों अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टार्टिंग वाला जो देख सकते हो, ये वाला फोटो मेरा हिल रहा है। तो सेम आपको अपने वीडियो में ये फोटो वाला इफेक्ट और हिलने वाला इफेक्ट आपको डालना होगा। सो बैकग्राउंड वीडियो को मैं पहले कर देता हूँ यहाँ पे डिलीट। अब साथियों आपको यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा, वीडियो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। कुछ इस प्रकार से आपका आपके यहाँ पे लोड लेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नाइट क्लब वाले ऑप्शन पे आपको जाना है, सेक इफेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, देन ओके प्रेस आप इसको कर लीजिएगा। और इसका जो लेंथ है आपका नॉर्मल फोटो का जितना लेंथ होगा उतना ही रखना है। इतना करने के बाद साथियों वीडियो को थोड़ा इस टाइप से आप फैलाइएगा। अब आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना, यानी इफेक्ट पे क्लिक करना है। एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाकर जो स्पीड है आपको घटा के 10 आपको करना होगा, और जो इंटेंसिटी है इसको भी घटा के आपको यहाँ पे 10 कर देना होगा। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपका नेक्स्ट वाला फोटो जहाँ पर है उस जगह पे आपको लेके जाना, यानी नॉर्मल फोटो जहाँ पर है उसी जगह पे आपको ये जो सेक इफेक्ट है आपको यहाँ पे रखना होगा। तो मैं जो चीज़ है यहाँ पर एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा लास्ट वाला नॉर्मल फोटो था जिसको मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लिया है। अब अगर मैं अपने वीडियो को शुरू से आपके लिए प्ले करके दिखाऊं तो मेरा वीडियो कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो। अब साथियों नीचे में अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको फोटो लिप का आपको यहाँ पर एक वाटरमार्क देखने को मिल रहा होगा, जिसको साथियों आपको हटाना है। उसके लिए दोस्तों आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप एड टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हो उसको आप पहले आप टाइप कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर JSR का लौंडा लिखा, उसके बाद मेरा जो फॉन्ट है उसको मैंने चेंज किया। अब साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इफेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर कई सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ से साथियों आपका जो पसंदीदा इफेक्ट है उसको आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। तो मैं कुछ इस तरह से इसको मैं स्लाइड करके यहाँ पे नीचे तरफ पे आता हूँ, और कुछ बढ़िया सा यहाँ पे मैं फॉन्ट को रखने वाला हूँ। ये भी बढ़िया लग रहा तो ये वाला मैं रखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करूँगा इतना ही, जहाँ पर आपका ये वाला टेक्स्ट है मतलब जो वाटरमार्क है इसके ऊपर कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पे ओवरलैप कर दूंगा, जिससे पता नहीं चलेगा। अब आपको इसका जो लेंथ है जितना आपका वीडियो का लेंथ होगा कुछ इसी प्रकार से आप बढ़ा के यहाँ पर कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। अब दोस्तों अगर मैं अपने वीडियो को प्ले करके आपको अगर दिखाऊं तो देखिए साथियों नीचे में जो वाटरमार्क था वो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हैं। बाकी 1080 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फ्रेम रेट को 60 करके आप यहां पे शेयर पे क्लिक करके अपना वीडियो को सेव कर लीजिएगा।